बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत के शो लॉकअप में कैदी एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, साथ ही अपनी गेम से लोगों का दिल भी खूब जीत रहे हैं। इसके अलावा इस शो में कैदियों ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई राज भी खोले हैं। हाल ही में पायल ने सारे जमाने के सामने ये बयां किया है कि वो माँ नहीं बन सकती हैं। इतना ही नहीं, पायल ने कैमरे के सामने रोते रोते कहा कि लोगों ने उन्हें बांझ तक बोल दिया था। पायल का इससे जुड़ा वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। वहीं अब इस मामले पर संग्राम सिंह का भी रिएक्शन आया है। पायल ने अपने वीडियो में बताया कि उनकी और संग्राम सिंह की कई कोशिशों के बाद भी वो माँ नहीं बन पाई। पायल ने रोते हुए कहा कि इस वजह से उन्होंने आज तक संग्राम से शादी नहीं की, क्योंकि संग्राम को बच्चे बहुत पसंद हैं। पायल के इस वीडियो पर रिएक्शन देते हुए संग्राम ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि पायल एक बहुत ही बहादुर लड़की है और मुझे उस पर गर्व है। हाँ, उसका IVF फेल हो गया था और डॉक्टर ने भी कहा था कि वो कंसीव नहीं कर सकती है, लेकिन क्या हुआ। संग्राम यही नहीं रुके, उन्होंने पायल की प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हुए आगे कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। कल यही समस्या मुझे भी हो सकती है, तो क्या पायल मुझे छोड़ देगी? बिल्कुल नहीं। हालांकि पायल ने मुझसे कई बार कहा कि मुझे अपने लिए दूसरी लड़की ढूंढ लेनी चाहिए, लेकिन हम साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। संग्राम ने इंटरव्यू में आगे कहा कि अगर पायल किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती तो हम गोद लेने का रास्ता चुनेंगे। इस बारे में संग्राम ने आगे कहा कि कई गांवों में आज भी कपल केवल इसलिए अलग हो जाते हैं क्योंकि वो अपना बच्चा चाहते हैं। सरोगेसी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, सरोगेसी के बारे में हमने सोचा है, लेकिन ये दूसरा ऑप्शन है। ये तभी होगा जब हम बच्चा अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे।